अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिस जगह के बारे में मालूमात फराहम करेंगे वो तुर्की में मौजूद आया सोफिया। आया सोफिया एक तारीखी इबादत गाह है इस्तांबुल में वाक़ है, जिसने एक यूनानी आर्थोडॉक्स ईसाई सरप्रस्त गिरजाघर, एक रोमन कैथोलिक गिरजा, उस्मानी मस्जिद और एक सेक्युलर म्यूजियम की हैसियत से खिदमात अंजाम। सन 537 में रोमन शहनशाह जस्टेनियन अव्वल के दौर में तामीर किया गया था। पहली बार इस जगह पे चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिस 360 ईसवी में तामीर किया गया था, जो बाद में तबाह हो गया था। फिर इसी जगह पे चर्च ऑफ थियोडोसिस की तामीर की गई और इसका इफ्तिताह 415 ईसवी में किया गया, मगर ये भी फसादात की नज़र हो गया और 532 ईसवी में बादशाह जस्टेनियन ने दोबारा चर्च की तामीर का हुक्म दिया। आया सोफिया को वज़नतीनी फ़न तामीर का मज़र समझा जाता है और कहा जाता है कि इसने फ़न तामीर की तारीख को बदला। चौदह में कुस्तुनतुनिया की फतह के वक्त जब सुल्तान महमद दोम और उसके हमरा वफ चर्च में दाखिल हुए तो उन्होंने इसरार किया कि इसे एक ही वक्त में एक मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। तब मौजूद एक आलिम चर्च के मेंबर पर चढ़ गया और तिलावत की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। उन्नीस में तुर्की के पहले सदर और जमहूरिया तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस इमारत को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। अगरचे इबादत गाह के तौर पर इस कॉम्प्लेक्स के इस्तेमाल पर वर्ल्ड हेरिटेज ने सख्ती से पाबंदी आयद कर दी थी, मगर 2006 में तुर्क हुकूमत ने म्यूजियम कॉम्प्लेक्स में एक छोटे से कमरे को मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। दो हज़ार सात में यूनानी अमरीकी सियासतदान क्रिस पैरो ने एक बैन अल-अक़वामी तंजीम फ्री आया सोफिया काउंसिल का आगाज किया, जिसकी वजह ये थी कि ईसाई चर्च की हैसियत से इस इमारत को अपने असल काम में बहाल किया जाए। सदर रजब तैयब उर्दोगान ने 10 जुलाई 2020 जुम्मे के रोज़ इस्तांबुल की मशहूर आया सोफिया को मुसलमानों की इबादत के लिए खुला करार दिया है। इससे कबल एक आला अदालत की जानिब से इस इमारत को म्यूजियम में तब्दील करना गैर कानूनी करार दिया गया। Allahu Ekber.
मस्जिद आया सोफिया तुर्की में 86 साल बाद पहला जुम्मा हुआ जिसके ईमान अफरोज मनाजिर से पूरा आलम इस्लाम मुस्कुरा उठा और उम्मीदों की नई सहर तुलू हुई। नमाज जुम्मा से पहले 24 घंटे तक मुसलसल तिलावत कुरान का सिलसिला जारी रहा। 1000 नमाजी मस्जिद के अंदर और एक बड़ी तादाद में नमाजी मस्जिद के बाहर नमाज जुम्मा में शामिल हुए। खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने का मुहायदा लवाजन 24 जुलाई को हुआ और 24 जुलाई को ही आया सोफिया में जुम्मे की नमाज की अदायगी महज इत्तेफाक नहीं, कुफार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। नब्ज़ मिल्लत की हरारत है ये सजदों के निशान, एक नई सुबह की आहट है ये तकबीर व अज़ान, खंदा अज़न आलम इस्लाम है इस मंज़र से, चश्म बातिल से गम व हज़न के आंसू है रवा। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान की सरबराही में एक नई तारीख रकम की गई जिसके ज़रिए फतह की एक अनमोल दास्तान को दोबारा ज़िंदा किया गया।